200-250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਰਸੀਐਮ ਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾ ਜੋ ਗਾਮਾ ਓਰਿਜਨਲ ਔਰ ਆਇਲ ਸੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ मुझे गैस की एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी कि मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ भी इवन पानी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, रियली फैक्ट बता रहा हूँ। मैंने खुद ने इसको यूज किया है, आज मैं इसको 1.5 महीने से ले रहा हूँ। मेरी गैसिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, हर चीज, मतलब मैं तली हुई कोई चीज नहीं खा सकता था, आज मैंने हर चीज खाने के लिए मैं सकता हूँ। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, तो 2 महीने उन्होंने लेने के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरा 3/2020 का मेरा रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था 249.3 mg/dL। आज 12/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg/dL। इस प्रकार से मैंने 2 महीने लगातार गामा और एनर कैप्सूल का इस्तेमाल किया, अपना कोलेस्ट्रॉल कम किया। 3 मंथ से कंटिन्यू मैं गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ, इवनिंग एंड मॉर्निंग, बोथ टाइम्स, दोनों सब टाइम में लेता हूँ। और आज की डेट की स्थिति यह है कि मेरी गैस वाली प्रॉब्लम तो कम हुई ही, साथ ही साथ जो लेफ्ट साइड में जो किडनी का प्रॉब्लम हमें हुआ करता था, उस साइड में जो दर्द होता था वो मेरा पूरी तरीके से रिलीफ हुआ। आज मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं पिछले 1 महीने से गामा यूज कर रही हूँ और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लड़कियों को पीरियड के टाइम में इशू बहुत होता है, पेट में दर्द बहुत होता है, तो मैं उसके लिए पिछले मतलब जब से स्टार्टिंग है तब से मैं ये एलोपैथी मेडिसिन खाती थी, तो इस बार मतलब मैंने जब ये गामा यूज किया है तो इस बार मुझे उसका जरूरत नहीं पड़ा है। ये सबसे बड़ा मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मुझे एलोपैथी यूज नहीं करना पड़ा। सेकेंड, मेरे पैर में नर्व्स का प्रॉब्लम होता था, दर्द होता था एक राइट हैंड लेग में, वो खत्म हो गया। उसके बाद मुझे लो प्रेशर था, मैं अगर 1 टाइम खाना ना खाऊं तो मुझे मतलब लो प्रेशर हो जाता था। अभी अगर दिन भर खाना नहीं खाती हूँ तो भी मतलब ये रेस्ट लेती हूँ और एनर्जी रहता है अंदर। सर, मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन मेडिसिन ने कम कर दिया। मेडिसिन तो नहीं बोलना चाहूंगा, ये हेल्थ सप्लीमेंट है, बहुत जबरदस्त और बहुत रामबाण उपाय है सर, ये बहुत बेहतरीन है। इसने मेरी एसिडिटी भी कम कर दी है, मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरे किडनी में भी बहुत दर्द होता था सर, इससे बहुत जबरदस्त मुझे इफेक्ट गिरा है सर, बहुत रामबाण उपाय है सर ये। ये है हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल। मुझे 6 ईयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। और मुझे पहले सबसे पहले 25 mg की गोली लगी छोटी व्हाइट कलर की, जो सुबह सुबह खाली पेट खानी थी, फिर 50 mg की होगी, फिर वो 100 की होगी, मतलब मैं मॉर्निंग में सबसे पहले खाली पेट वो गोली खाती थी। तो फिर टेस्ट करवाती थी, कभी थोड़ा बहुत कम होता था, कभी ज़्यादा होता था, लेकिन अब जब से मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मेरे 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे रेकमेंड किया कि ये चीज़ खाना और एक बार रिजल्ट देखना है, इसका टेस्ट करवाना खाने के बाद। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मेरा TSH, T3, T4 तीन टेस्ट है, मेरे पूरा एक पैक है उसका थायराइड टेस्ट का, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं। आरसीएम हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल व्हिच आई हैव बीन यूजिंग फॉर 3 मंथ्स, इट हेल्प्स मी टू कंट्रोल माय हाई ब्लड प्रेशर। थैंक यू आरसीएम, थैंक यू हेल्थ कार्ड। अरे देवर ने घुटनों में दर्द था, इसकी मैंने काफी इलाज करवाई, कहा शंकरगढ़ इलाहाबाद तक इसी मैंने दवा करवाया, लेकिन उनको थोड़ा सा इसमें राहत नहीं हुआ। और अब गामा ओरिजिनल जब मैंने लेना शुरू कर दिया जी, मुझे काफी आराम जी, अब काफी चलना फिरने में ठीक। मैं बहुत बीमार हो रही थी, मेरे दोनों किडनी में स्वेलिंग थी और लीवर का साइज बढ़ रहा था मेरा, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, तो इन्होंने मुझे कई बार दवाई के बारे में बताया, लेकिन फिर मैं इस बात को अनसुना करती रही और कुछ सामान ले आती थी, सामान लेके चली जाती थी। फिर एक बार मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, फिर इनके पास आई, इन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार ये लीजिए हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल और खा के देखिए, अगर इससे आपको आराम मिलता है तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं इनसे ये दवाई लेके गई और जब मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही मेरा हर एक महीने में 2-3 अल्ट्रासाउंड होता था और ब्लड टेस्ट और बहुत सारी टीएफटी टेस्ट वगैरह होता था, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी मेरी। लेकिन जब मैंने इसे लिया, इसे लेने के बाद जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई और मैंने टेस्ट कराया तो मेरे किडनी में कोई स्वेलिंग नहीं और कोई सूजन भी नहीं और सब कुछ नॉर्मल आया है। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था और एलोपैथिक दवा लेना चालू थी, ऐसे में मेरे पास एक हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल करके ये टैबलेट आई और हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ये ओरिजिनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, ये अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है।
आज के दो महीने पहले हमारे सीने में बहुत जलन होती थी। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी बीपी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, जानकारी में पता चला कि हमारा बीपी जो है 201 हो गया है। दोस्तों, मैंने डॉक्टर से जो है हजारों रुपया का दवा लिया, मैं खाया, बहुत कम आराम हुआ, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। दोस्तों, मैं जब इसको सुबह एक कैप्सूल खाना शुरू किया तो दिन भर तो ठीक रहता था, जैसे 4 बजता था फिर हमारे सीने में जलन होने लगती थी। तो दोस्तों, मैंने अब इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ, अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। ये गामा जो है वो मैंने 2 महीने लिया हुआ जी। मैंने स्टार्टिंग मुझे ऐसा था कि इससे कोई रिजल्ट नहीं होने वाला जी। जब मैंने लिया तभी मुझे पता चला आज मेरा कम से कम 5-7 किलो वजन कम हो गया है। मेरा पेट यहाँ तक था, अब पूरा स्लिम हो गया है जी। और पेट के अंदर जो भी तकलीफ थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कभी भी डीजे वगैरह बजता था तो मेरा कलेज में धड़कन पैदा होता था, लेकिन मैं 20 रोज से गामा ओरिजिनल कैप्सूल खा रहा हूँ। खाने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जॉइंट में पेन हो रहा था, लगभग 1.5 साल से परेशान थी इसको लेकर के। मैं एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट भी करती हूँ, तो मैं अपना ट्रीटमेंट भी दे रही थी प्लस और भी अपना कुछ प्रोडक्ट दे रही थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ अचीवमेंट हम लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन मात्र 25 दिसंबर से सर ने गामा ओरिजिनल कंटिन्यू शुरू किया और जो सर का तकलीफ था लगभग 50% खत्म हो चुका है। नागराज भद्रावती, कर्नाटक। ना कल 1.5 वर्ष हिंदे थैरॉयड अंत सुमार 3 वर्ष नम मिसेस बट अद ना उदासन नमी गोति डाक्टर नमेंगे बरदा डिसीस टेस्ट मास्त वेट लास् विषय डाक्टर थैरॉयड टेस्ट को सुमार 9.5 समथिंग रीडिंग बंद ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ 100 mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆನಂತರ 50 mg ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ mg ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 9.5 mg ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ 3 months ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ 7.5 ಇದು 7.3 ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ 7.3 ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು 3 months ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಾಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 0.70 ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಗಾಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ 9.7 ಇದ್ದು 7.7 ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 0.70 ಬಂದಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗಿನ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಗಾಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು ಗಾಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತಾಂತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಗಾಮಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಈಚೆಯಿಂದ. ಮಿಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.